I have concluded. No, nothing on what I have ruled. Shri Mallikarjun Khadge. राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैं अपने चार शब्द रखना चाहता हूं, जो पहली बार उन्होंने इस हाउस में आके जॉइंट सेशन को एड्रेस किया और ये भी चुनाव से पहले उन्होंने सारी बातें कही और ये बहुत ही उनका जो बजट है उसको मैं उनका जो अभिभाषण है उनको स्वागत करता हूँ और उसमें जो कमियाँ हैं मैं आपके सामने बोलने की कोशिश करता हूँ। आप उतने ही संयम से और बीजेपी सरकार भी उतने ही संयम से सुनेंगे, ये मेरी आशा है। सर, मोदी जी के जो 10 वर्ष के कार्यकाल में उनके कुछ सवाल भी थे कि किस ढंग से पहले की सरकार काम नहीं की, इस अर्थ में भी शब्द थे, और ये सरकार कितनी अच्छी काम की इसका भी विवरण उन्होंने दिया। लेकिन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये हिमांशु वाजपेयी एक कवि है, उन्होंने कुछ कहा था, उन लाइनों को मैं पढ़ता हूँ। न खाता न बही है, जो तुम बोले वही सही है। न्यूज ये छप रही है, सब कुछ बिल्कुल सही है। सच पर एफआईआर क्यों, रासू की मार क्यों, झूठ की जय जयकार क्यों, निष्ठुर है सरकार क्यों, मगर मेरे शहर के लोग, देश के लोग ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो आप अपनी बातों को बहुत सी अनेक उसको एडजेक्टिव्स लगाकर आप बोले, यहाँ सही है कि हर सरकार अपनी बात को राष्ट्रपति के माध्यम से कहलाते हैं, लेकिन इस राष्ट्र के जो निर्माता है उनको कभी भी हम नहीं भूलना चाहिए। और समृद्धि के इस राह पर जाने के लिए सबको मिलके काम करना है, लेकिन सबसे जो लोग देश के लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं वो सबसे बड़े उसमें शिक्षा है। और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे और अपने हकूक को जानेंगे नहीं, संविधान के रक्षा करेंगे नहीं, तब तक इसका फल गरीबों को नहीं मिलेगा, अछूतों को नहीं मिलेगा, निचले वर्गों को नहीं मिलेगा, जो जो कमजोर तबके के लोग उनको नहीं मिला। इसीलिए आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यही काम किया, शिक्षा के लिए प्रथम स्थान दिया। उन्होंने कहीं प्राइमरी स्कूल से लेकर अपनी योजनाओं में हाई स्कूल कॉलेजेस सभी, और उसके बाद आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने
खोला और ये इंस्टीट्यूशन देश के विजन बने। और जब हम देश के लिए जो एक विजन बना के चलते हैं तो वो बहुत दिन चलता है, लेकिन उसको छोड़ के सिर्फ अपने ही काम पे पीछे जाता है। ये सब एजुकेशन्स, जो टेक्निकल एजुकेशन्स हो, और इसका लाभ चाहे अपना मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एम्स हो, कुछ भी, इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। इसीलिए तो एक तो संविधान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन बनाया गया, लेकिन इसमें आज ओबीसी के बच्चों के लिए 27% जो रिजर्वेशन है वो उनको मिलना है, वो नहीं मिल रहा। और क्योंकि कोई कारण लगा के वो घट जाते हैं। एससी एसटी के भी ऐसे ही होते हैं कि कई जगह जो रिजर्वेशन है उसको घटाने की बहुत कोशिश चल रही है, जैसा कि कोई क्वालिफिकेशन बढ़ाना, कोई एक्सपीरियंस बढ़ाना, कोई एज का, ऐसे सारे चीज़ें लाके ये एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को कैसा काटा जाए ये चंद लोग सोचते हैं। और इसके ऊपर कोई इसको, कोई भी सरकार इसको जांच नहीं करती, उनके लिए कोशिश नहीं करती, तो ये बहुत बड़ा जो हमारे देश के लिए नुकसान है। और खासकर स्कॉलरशिप भी, जो स्कॉलरशिप उनको रेगुलरली सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता, वो देरी से जाता है। तो वो बोलते हैं कि जब तक आपका पैसा यहाँ भरा नहीं जाता आपको हम एडमिशन दे नहीं सकते, या एक महीना दो महीने होने के बाद आपका स्कॉलरशिप नहीं आ रहा, उसीलिए अब यहाँ पर जगह नहीं है, बंद कर दो। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। और पहले से ये मानसिकता है कि समाज में, मैं ये मोदी जी आए इसलिए ऐसा हुआ ये नहीं बोलता हूँ, कि ये समाज की एक मानसिकता है, धार्मिक मानसिकता बोलो या ऊपर नीचे का बोलो, ये सब में है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी जो अपने आपके बहुत इधर इधर, पहले तो वो कांग्रेस में थे एक चीफ मिनिस्टर, अब बने, जरा आजकल वो बहुत आपके लाडले बने, और उनका कहना है, मैं दावे से कहता हूँ कि उन्होंने बाद में उसको किस ढंग से समाज में कहा मालूम, इसमें मेरे उच्चार में थोड़ी कमी ज़्यादा हो सकती है, जितना मोदी जी खुद उसमें संस्कृत में बोलते हैं उसमें बोलने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी, फिर भी आपको जनता को समझाने के लिए। खड़गे जी, यू आर अवेयर दैट व्हेन वी रेफर टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन दिस हाउस यू विल कीप दैट इन माइंड आल्सो, यू विल कीप इन माइंड द रूल दैट हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वी रेज इश्यूज अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर। अरे मेरे सिखाने की जरूरत नहीं साहब, मैं 11 साल किया हूँ तो ठीक है साहब। प्लीज बियर दैट इन माइंड। कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचरणात्मक कर्म शूद्र स्थापी शूद्र सयापी स्वभावजम, ये है खेती, गाय पालन और व्यापार, ये वैश्यों की दायित्व है।
और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ये शूद्र का कर्तव्य है, एक चीफ मिनिस्टर बोलता है। इस देश का एक चीफ मिनिस्टर यह भाषा बोलता है, उसको निकाल दो। जो जो व्यक्ति का जो मन में यह है वो क्या कानून गरीबों के लिए बनाएगा? ऑनरेबल खड़गे जी, आई टेक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। व्हाई? I again appeal to you, follow the rules, you have great experience. I acknowledge your experience. Please, please. Sir, don't get into that mode. Please. I have not named. I am appealing to the Prime Minister. How you have kept such people in your party? And that too, you know that you are claiming that social justice I will bring. Sabko nyay milega, sabka vikas hoga. सबको यही रखने का है, यही आपके मानसिकता है आपके लोगों की। अगर ये है तो आप बोलिए कैसा ये शेड्यूल कास्ट के लोग पढ़ेंगे, कैसा सूत्र में आप भी आते साहब। आप तो अबो नहीं, आप ना क्षत्रिय है ना वैश्य है ना ब्राह्मण है, अब आप भी दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। अरे व्हाई, टेल मी व्हाई सर। Yes. Is it? No. It's a good question. It's a good question. I'll respond. Rules do not permit it. As simple as that. Please continue. Does he need your support? He is leader of the opposition. He doesn't need your support. Come on. Khadgeji. Yes. Keep your flock in order. Huh? Let them take their seat and you speak. Doctor, most of the time when legal issues are there, you are absent. And the person concerned is not. No, you are absent whenever we need you. And also it attracts the SC/ST Atrocities Act also. Yeah. Khadgeji, have you finished? Finished? Then continue, please. No, agar aap yahi chahte hain to khatam karo. No, please continue. Dekho, main man ki baat isliye bol raha hu. ये दर्द होता है हमको, ऐसे लोग जब अधिकार में होते हैं कुर्सी पे बैठ के ऐसी बात करते हैं। और आज भी संविधान लागू होने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद और आज़ादी के 75 अपने 78 ईयर्स होने के बाद और 75 वर्ष संविधान को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी अगर ये मानसिकता लोगों में है तो शूद्र लोग कैसा आगे आएंगे आप बता दीजिए। आप तो ऐसा ही होता है यूनिवर्सिटीज में, ऐसा ही होता है हाई प्रोफाइल स्कूल्स कॉलेजेस में। क्यों नहीं लेते उनको एडमिशन, क्यों नहीं देते? पैसा नहीं रहता। लेकिन हम खोलते जा रहे बड़े बड़े स्कूल, खोलिए, अच्छी बात। लेकिन इनको भी दो ना, इनको ये मत बोलो तुम्हारी सिर्फ आपका काम सिर्फ सेवा करना है, आपका काम दूसरा नहीं है। आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लड़ नहीं सकते देश के लिए, आप गुत्ता लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, दूसरों को भी उसमें मिलाइए। और आज मैं आपसे यही पूछने के लिए यहाँ पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी है, वो सोचेंगे इसके बारे में कम से कम। बाद में तो अपने चीफ मिनिस्टरों को बुला के ये कहेंगे भाई ऐसी बात मत करो, मेरी तो बदनामी हो गई लेकिन तुम क्या है बोले तो जनता के आंखों से गिर जाएंगे। दूसरी बात, स्किल डेवलपमेंट ग्रेजुएट्स। सर 222 में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बेरोजगारी 13.4% और फीमेल ग्रेजुएट्स उनकी संख्या वो 20.6% हो जाती है। अगर
एजेंसियों के आंकड़े देखें तो स्थिति और भी खतरनाक है। यह है बेरोजगारी के कारण लोग लिखे पढ़े रहे तो भी युवाओं को आज नौकरी नहीं मिल रही। एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके तरफ आप ध्यान देना चाहिए था। उसमें क्या है बताइए, उसके विषय में कुछ नहीं। अब युवाओं को तो आप आकर्षित करते हो अपने भाषणों से, ये सब यहाँ जाओ फॉरेन जाओ, कहीं कहीं जाते ना, हर जगह जाते हैं तो उनको बोल के अपने भाषणों से तो आकर्षित, लेकिन वो पाप बेचारा भूखे पेट से क्या सुनेंगे आपका बात। पेट भूखा है उसका, बेरोजगारी है, वो क्या सुनेगा। तो ये बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया, ये हमारा सवाल है। लेकिन उसमें कोई जिक्र नहीं है उसमें। और आज महाराष्ट्र में एक उदाहरण देता हूँ, 4,500 वैकेंसीज के लिए, जहाँ से हमारे लीडर ऑफ द हाउस आते हैं, 10,00,000 एप्लीकेशंस आए, और उसमें एमबीए इंजीनियरिंग ये सब लोग शामिल है। तो आप देखिए कितना हम रोज पर रोज कमजोर बनते जा रहे हैं। और दूसरा, आप देखे होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी देखे होंगे, खासकर हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनके स्टेट से और हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, यूपी के बॉर्डर के लोग, बहुत लोग मिलिट्री में जाते हैं, फौज में जाते हैं। तो इज़राइल के एक एजेंसी ने जब एप्लीकेशन बुलाए तो हमारा युवा कहता है यहाँ बेरोजगार रहने से अच्छा है मैं इज़राइल में काम करते हुए मरना पसंद करूँगा। यहाँ का युवा कैसा बोलता है, और जहाँ बमबारी हो रही वहाँ जाने को तैयार है। यूपी का कहता है, वो ये कहता है अगर मुझे यहाँ अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए तो कभी इज़राइल नहीं जाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही, युवा कह रहे हैं। तो आप इनकी जो बात करते हैं, आज पब्लिक सेक्टर्स भी आप खत्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रिजर्व क्लास, वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो, हम एक पब्लिक सेक्टर्स हो एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं। उससे नौकरियां भी खत्म हो रही, सरकार में कम से कम सब मिला के मैं बोलता हूँ, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय के हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो, ये सभी मिलाए तो एडेड इंस्टीट्यूशंस प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आज नियरली 30,00,000 वैकेंसीज हैं। तो आप 10,000-12,000 को रिक्रूट करते हैं और उसका एप्लीकेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ से दिलाते हैं, वो तो रूटीन कोर्स है, कोई अंडर सेक्रेटरी भी दे सकता है, डिप्टी सेक्रेटरी। लेकिन 2-4 बार देखा मैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ से दे रहे नौकरियां देना है तो एक बार इसकी मुहिम करो, 30,00,000 लोगों को भर्ती करो, जितना चाहे उतना सर्टिफिकेट बांटो। हम उस कहेंगे भाई एक ठीक है इतना, लेकिन 30-30,00,000 वैकेंसी खाली, और हम उसको उधर नजरअंदाज हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अब एम्स में भी खाली है बहुत से, मैं पूरा अगर बोलते जाऊं बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए परसेंटेज बोलूंगा। आज एम्स की वैकेंसी रेट 41% है, और 20 में 7 अस्पताल में स्टाफ की कमी है। आपने बोला कि हमने एम्स करा और
दूसरे इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स वो ये बहुत लंबी चौड़ी अपने भाषण में उन्होंने कहा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जहाँ जरूरी है आप क्यों नहीं देते। मैं बोला कि आर्टिकल 371J ये स्पेशल आर्टिकल सिर्फ हैदराबाद कर्नाटक के लिए लागू है और वो आखिरी अमेंडमेंट हमने लाया था जो हमने कोशिश की, सब लोग सपोर्ट किए, उसमें जेटली भी थे, बीएसपी था, सब पार्टी के लोग यूनानिमसली उस अमेंडमेंट को सपोर्ट किए, मैं उसका याद करता हूँ। लेकिन आप, मैंने आपसे दो बार पूछा, नहीं नहीं आपके सिद्धरामैया वो जमीन नहीं, नहीं साहब वो तो जमीन ईएसआई की है, गवर्नमेंट की है, और एम्स अगर वहाँ अगर खोलेंगे एंटायर बैकवर्ड क्लास एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन आपने उसको इंटरेस्ट नहीं लिया। आप ऊपर से तो देखे होंगे क्योंकि आपकी विमान एक दो बार वहीं से आ गई और परसों भी आप 15 दिन पहले वहाँ उतरे गुलबर्गे में अपने कानसुनसी में। खैर अभी मेरी कानसुनसी नहीं रही, वो आपकी कानसुनसी रही है, वहाँ उतरे, लेकिन कोई फायदा नहीं उसमें। रेलवे वो भी रुक गए काम, एम्स बनाने के रुक गए। बात तो बहुत से भाषणों में आते हैं लेकिन ये चीज हमारे पास नहीं हो रही है। इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि देख लीजिए इधर। अब निवेदन करके भी फायदा क्या है, आखिरी स्टेज में देखेंगे कल क्या होगा और उसके बाद में बात करो। लेकिन ये याद दिला रहा हूँ, पिछले की बातें भी याद दिला रहा हूँ, आगे आने वाली सरकार को भी, कोई भी हो, हम आओ आप आओ कोई भी आओ, उनको भी ये रास्ता है कि सोचने का कि बैकवर्ड एरिया में किन किन चीजों को आज क्या बोले। नहीं नहीं प्लीज कंटिन्यू। नहीं ये क्या होते हैं, मोदी साहब जब आते हैं बहुत एक्टिव होते हैं। नहीं नहीं मोदी साहब गए उनके साथ ही पीछे आते हैं, कोई बैठता नहीं। आप देखो पार्लियामेंट में देखिए, यहाँ भी देखिए, आप चले लिसनिंग टू यू, 2 मिनट में पूरा खाली। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा नहीं साहब आप मत जाओ, लोग जा उनके मेंबर्स जाएंगे लेकिन आप मत जाओ मेरा होने तक। सर और एक प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, ये बहुत बड़ा चोट गरीबों को लग रहा है और इसमें क्या होता है, ये प्राइवेट सेक्टर में जो बनाते हैं प्राइवेट सेक्टर्स उनको सरकार की हर मदद होती है। सरकार जमीन देती है, लाइट देती है, पानी देती है, लेकिन हमारे रूल्स और रेगुलेशन को वो मानते नहीं, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर से ही देश बना है ऐसी कल्पना चंद लोगों की। पब्लिक सेक्टर पहले आई तभी देश का सुधार हुआ और आज प्राइवेट सेक्टर हमारे बैंक से पैसे लेते, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जमीन ये लेकर भी गरीबों को नहीं लेते, सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, अपने कम्युनिटी के लोग, और उनको जो होना उनको लेते हैं, बाकी के लोगों को डेली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं, उनका पेट एक दिन की रोटी भी उनको नहीं मिलता। तो ये प्राइवेट सेक्टर का है। यस हमने माना है कि इस देश के एक नीति बनी हुई थी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, सभी सेक्टर है, लेकिन ये सेक्टर में ज्यादा फायदामंद ये पब्लिक सेक्टर का। आज पब्लिक सेक्टर धड़ाधड़ बंद हो रहे, कोई पूछने वाला नहीं। पहले ट्रेड यूनियन वाले भी बड़े एक्टिव रहते थे, हमारे जमाने में थोड़ा कुछ हुआ सब लोग झंडा लेके जाते थे, अब वो भी कहाँ हो गए, किधर गए मालूम नहीं हो रहा। तो इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर को आप जो ज्यादा जोर दे रहे हैं उसके बजाय पब्लिक सेक्टर को आप जोड़ दीजिए, पब्लिक सेक्टर को मदद कीजिए
और उसको जिंदा कीजिए, रिजिनुएट कीजिए, उसमें कुछ कमियां हैं तो आप उसको इंटेलिजेंट लोगों को डाल के उसको बढ़ाइए, उसके बजाय खत्म मत करो। अगर मेरे को सर मेरे को क्या बोलते हैं वो अगर खांसी आई और इसको क्या बोलते हैं जुकाम आया कुछ आया, तो जुकाम आया इसलिए नाक काट लो, ऐसा होता है, उसको दवा ढूंढो साहब। पब्लिक सेक्टर्स ये गरीबों के लिए और देश के लिए भी अच्छा है, तो ये मैं इस बार कहना चाहता हूँ। और उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। और अग्निपथ योजना, ये बहुत आपका प्रिय योजना है और ये योजना आपने किया 4 साल के, लेकिन लोग के समझे जैसा कि हर जगह स्टाइफंडरी के बाद वो परमानेंट हो जाते हैं, वैसा ही इसमें जो अग्नि वीर का जो योजना है, इस 4 साल की नौकरी के बाद हम मिलिट्री में जाएंगे, भरी जवानी में जाते हैं। पहले कहा कि एक बात आ गई, 100 लोगों में से 25 लोगों को ड्रॉप किया जाएगा, 75 लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन आज स्थिति क्या है कि आप 75 लोगों को ड्रॉप कर रहे हैं, 25 लोगों को ले रहे हैं। और मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूं, चाहे अभी बाहर आया कि नहीं स्टेटमेंट, हाल ही में जनरल एमएम नरवणे ने बताया कि अग्निवीर स्कीम सिर्फ आर्मी के लिए आने थी और उसमें 75 रिटेंशन और 25 रिलीज पॉलिसी का प्लान था, लेकिन बिना किसी से बात किए सलाह किए मोदी जी ने एक स्कीम एयरफोर्स और नेवी पर लागू की और इसमें 25% रिटेंशन हुआ, 75% रिलीज पॉलिसी का रूल बना। आप बोले ये तो मेरा नहीं, वहां काम जो करते थे वहां जो जनरल थे वैसे लोग बोल रहे हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं तो वो परेशान है अग्निवीर के लोग, और वो ये कह रहे हैं ये बेहतर है, ये बेहतर दिनों की आस लगाते हुए, यानी अच्छे दिन बोले ना साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते थे अच्छे दिन, ये अच्छे दिन बेहतर अच्छे दिनों की आस लगाते हुए हबीब, दिनों की आस लगाते हुए हबीब हम बेहतरीन दिन भी गवाते चले गए, और उनके जो बेहतरीन दिन थे जो जवानी थी वो भी लूट गई, खराब हो गई, तो 4 साल बाद उन जाना पड़ा। तो ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ महंगाई, महंगाई की मार तो आपको तो जानते हैं, लेकिन आप किसान हैं, वकील हैं, घर भी देखते हैं, सब भी आपको तो बहुत मालूम है, लेकिन थोड़ा सा समय मुझे थोड़ा दे। देखिए साहब, छोटी छोटी चीजें हैं, आप बोलेंगे ये क्या है, टमाटर, प्याज, दूध, ग्राउंडनट ऑयल, आटा, चावल के दाम 2 गुना हो गए, घट गए नहीं डबल हो गए। अरहर, वन सेकेंड, इट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ अफेक्ट, ओके, टेबल व्हाट कमेंट दैट स्टेटमेंट ही हैज मेड अबाउट ऑल दीज प्रोडक्ट्स, बट इट इज कंप्लीटली बेसलेस, इसका कोई आधार नहीं है, निराधार स्टेटमेंट के ऊपर आप नाटक। ठीक है भाई, अब जब आपकी बारी आती है। खड़गे जी, खड़गे जी, सिंस लीडर ऑफ द हाउस वन सेकेंड हैज रेज्ड अ पॉइंट, आई वुड अर्ज यू, यू हैव असर्टेड, काइंडली ऑथेंटिकेट, देयर शुड नो डिफिकल्टी। देखो भाई, आप बाजार में गए तो मालूम होता, एक बार तो दिल्ली की सरकार प्याज के लिए
उसको खींचा गया, हराया गया। खड़गे जी, तो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, प्लीज ऑथेंटिकेट द असर्शन यू आर मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द इश्यूज रेज्ड बाय लीडर ऑफ द हाउस। चलेंगे सब, मैं और गोयल साहब बाजार में जाएंगे, वहां से दोनों ऑथेंटिकेट करके लाएंगे। दिस मे बी डन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे ऑथेंटिकेशन में टेक प्लेस। मैं जब चाहूंगा तब बोल जाएंगे। तो ये अरहर दाल जो 70 की थी आज 150, ये भी ऑथेंटिकेट करना? ऑब्वियसली। अच्छा, चना दाल 49.85 रुपीस हो गया, वनस्पति 75 था 125 हो गया, मगर सरकार बोलती है महंगाई पे कहीं नहीं बोले, इसमें भी नहीं बोले कि अभिभाषण में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी नहीं बोले। तो ये जो है इधर जो है सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रहा है और डबल डिजिट में महंगाई, तो ये कैसा चलेगा? ऐसा? अच्छा अच्छा, अब फ्री मिल रहा क्या तुम्हारे दुकान? अरे ठीक है भैया, उनका साफ सरकार सप्लाई करती होंगी, कोई स्पेशल सब्सिडी हमारे प्रधानमंत्री जी देते होंगे उनको, वो तो फ्री मिल रहा है उनको, ठीक है। अब किसानों की आर्थिक के बारे में आपने कहा कि किसान जो आंदोलन करे, आंदोलन के बाद आपने कुछ कानून लाए थे, वो कानून जो लाए थे उसको, सॉरी, किसानों ने उसका विरोध किया और 3 काले कानून को आपको वापस लेना पड़ा और उनका इनकम डबल बनाने का आपने वायदा किया था, और अपने डबल बनाने के अलावा MSP बढ़ाने का भी आपने वायदा किया था। तो आज किसानों की आमदनी, रियल इनकम सालाना 1.5% की गिरावट है, इंक्रीज नहीं है। तो ये हकीकत में अनुमान देखे तो 2016-17 और 2020-21 के बीच की प्रति किसान रियल इनकम में सालाना 1.5% की गिरावट आई है, और किसान बहुत सुखी है सरकार का कहना है, लेकिन सच्चाई ये है पिछले 5 वर्ष में कृषि के बजट में 1,00,000 करोड़ से भी अधिक बजट सरेंडर किया गया है, 1,00,000 से भी अधिक। और किसान रेल, उसको भी बोले कि PM साहब बोले कि किसानों को कायाकल्प गारंटी बताते हैं, उसमें कितनी यानी माल कितना ढुलाई हुआ, लेके गए कितना फायदा मिला, ये सब बातें वो करते हैं। वो सब कौन, ये बीच में जो बिचौलिया है, एजेंट्स है, उनके माल गए, किसानों का नहीं गया, वो जो खरीदे है वो डालते, उन्होंने गया, फायदा तो उनको हुआ, छोटे मोटे लोगों को चलो एक्सप्रेस में, सॉरी पैसेंजर में, उसमें या स्लो पैसेंजर्स उसमें डाल के अगर एक मार्केट से दूसरे मार्केट में अगर किसानों को ले जाने के लिए इजाज़त देते तो हम कहते उनका फायदा हुआ। लेकिन इसका दूसरा एक योजना आपका ये भी फेल हुआ, 21-22 तक PM फसल बीमा योजना में कुल 2,761 करोड़ रुपए पेंडिंग क्लेम्स में बकाया है। और ये जो होता है, हमारे पास भी पहले था ये, और देखिए ये सिर्फ एजेंट्स को फायदा होता है, जो लोग इसके एजेंट्स है बीमा योजना के, ये लोग क्या करते हैं कि उसमें 100 कंडीशन डाल देते हैं ताकि उसको कुछ मिलना ही नहीं, वो इंस्टॉलमेंट भर देता है, बाद में अगर क्लेम करने गया तो उसको बोलते हैं इसमें नहीं बैठता, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और उसमें काट छाट के देने की कोशिश करते हैं,
या तो साहब ये भी लाइक नहीं आपको? नहीं नहीं, ऑल आई एम टेलिंग इज टाइम वाज 27 मिनट्स. 27? इट इज नाउ 36. इतना गुस्सा क्यों सब नाराज? मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, देखिए. और योजना शुरू होने के बाद में 2,33,00,000 किसानों को इस योजना से निकल गए. और सरकार ने किसानों के सालाना 6,000 रुपये यानि दिन के 16 रुपये प्रति परिवार प्रतिदिन. तो ढाबे में 16 रुपये में 2 कप चाय भी नहीं मिलती मिनिमम. तो ये ऐसे हम योजना बनाते हैं जिसका लाभ जिनको अच्छी तरीके से होना चाहिए वो नहीं होता, तो ये भी फेल्यूर है. और इसके बाद में आप देखेंगे कि 40% अधिक किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर निकलना पड़ा. और सबका साथ सबका विकास और क्या दो चार है ना उनके, ये नहीं विश्वास है क्या, विश्वासघात है मालूम नहीं. तो वो साहब के प्रयास अच्छे रहते हैं, कोटेशन ठीक रहे. और सोशल जस्टिस सभापति जी, सामाजिक न्याय की हमारी मांग जाति जनगणना है, क्योंकि ये इसलिए हम प्रेस कर रहे हैं, नॉट पॉलिटिक्स. इसमें ये प्रेस इसलिए है कि अगर जाति जनगणना अगर कराए तो उसमें ये सब कुछ मिलेगा, किस किस कम्युनिटी में किस किस जातियों में ग्रेजुएट्स कितने हैं, नौकरियों में कितने हैं, जमीन कितनी है, उसके बाद में उनके पास गोपाल या अपने कितने ये अपने गो पालते हैं या किसी धंधे में है, तो ये सब एजुकेशन कितना हुआ है ये सब बाहर आ जाता है. उसके आधार पर आप स्कीम बना सकते हो, उनके आर्थिक योजना आप बना सकते हो. तो इसीलिए ये जाति जनगणना पूछ रहे हैं, इसलिए कोई इसमें पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं. आप इसको फिर से सोच लीजिए, आप अगर आप नहीं करेंगे हम आने के बाद जरूर करेंगे, पक्का करेंगे. तो साहब मैं ये बोल रहा हूं कि उनको सोचना चाहिए इसके बारे में, जल्द निर्णय लेना चाहिए. जातीय जनगणना इसकी डिमांड हर स्टेट में है, हर बैकवर्ड की है, हर गरीबों की है, निचले तबकों की है, देश के जनता की ये मांग है. और जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं वो जरूर इसको मानेंगे. अगर और ये एक्सरे मिलता है इकोनॉमिक, और हम तो सब इतना कुछ कर रहे हैं इनकम बढ़ाने के लिए, वेलफेयर के लिए, ये सारी चीजें कर रहे हैं. तो एक बहुत बड़ा जाति जनगणना का लाभ ये सबको होगा और सभी लोग इससे फायदे में रहेंगे. दूसरी एक चीज सर, ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर इतना अन्याय होता है, फिर उसको मुझे ये भी मालूम है, मैं कॉन्शियस हूं, वही निकाल के 10-20 साल के आंकड़े, तुम्हारी सरकार क्या की, 70 साल में क्या हुआ, तुम कहां थे, यही बात आएंगे. लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूं क्या सर, इस देश में हर 2 घंटे में SC ST समुदाय के 5 लोग अपराध का शिकार क्यों होते हैं? 2 घंटे में 5 लोग, और महिला 2022 में महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी 23.7%, और महिलाओं की देश में भागीदारी 50% है. तो हम चाहते हैं कि उन्हें लेबर फोर्स में भी
50% हिस्सा मिलना चाहिए, उसके लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, और आपको तो मालूम है कुश्ती खेलने में जो क्या ओलंपिक में जो मेडल जीत के लोग आए थे उनको न्याय नहीं मिला, और जो अपराधी था उसको सभी लोग प्रोटेक्ट करते गए। उस वक्त प्रधानमंत्री जी भी बात नहीं करे, वो अपना पूरा मुंह बंद कर लेके बैठे। अरे ऐसे वक्त ही नहीं बात करते जब शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय होता है, ओबीसी के ऊपर अन्याय होता है, महिलाओं के अत्याचार पर कोई बात कुछ वो नहीं करते। बाकी को उनके जो विशेष विषय है जिस पे वो बोलना चाहते हैं घंटों से बोलते हैं, लेकिन मणिपुर में दंगा जो होता है उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं। इतनी अच्छी बात करते हैं दूसरे दूसरे विषय पे, ये मणिपुर पे क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है, और ये तो आप पूछ नहीं सकते, उन्होंने पूछने मेरे मुझे तो पूछना चाहिए ना। तो सर आपको भी बताना चाहूंगा कि बिल्किस बानो के मामले में दोषियों को माला क्यों पहनाई गई। अब बोले ऐसा हो सकता है गुजरात में सबको माला पहनाया, सबको स्वीट खिलाया, सब वो जश्न मनाया, और याजिब वो झगड़ा बिल्किस बानो और बीजेपी का था, ये भी कोई बात है? ऐसा कंडम करना चाहिए ऐसे इशू पे प्रधानमंत्री जी, वो भी उनके स्टेट का है। अगर वो कंडम नहीं करे तो कौन कर सकते हैं? किनकी बात? आपके पास तो किसी और की बात चलती ही नहीं, आप ही सरदार हो, दूसरे लोग क्या कर सकते हैं? आपको फॉलो नहीं करेंगे तो सीधा घर जाएंगे। ये तो आपने कई लोगों को बता दिया है तो वो गपचुप चले जाते हैं, और उनको ये भी मालूम है सर कि ये जो है चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आईआईटी का आईटी सेल का बलात्कार का केस हो, और सरकार को ये 34 लाख महिलाओं को भी आप जवाब देना है जिनके ऊपर आज इतने बड़े ये हो गए, अत्याचार हो गए, वो भी आप बताना चाहिए। सर और एक बात, ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि उनको इम्प्रेस करने के लिए उनके पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं, और आप प्रोटेक्शन कैसा उनको देते हैं, और वो तो प्रमुख है। मैं देखा वो राम मंदिर में जब प्रधानमंत्री जी पूजा कर रहे थे या प्रतिष्ठान कर रहे थे, तो उस वक्त आपके बाजू में कौन बैठे? मोहन भागवत आरएसएस, वो भी साधु है संत है मुझे मालूम है, तो बैठे थे। उनका कहना है 2019 में 19 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि एससी एसटी ओबीसी को दिए गए आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं ऐसे लोग आपके साथ बैठ के जब करते हैं? और झारखंड में बोले थे, चलो तो ये 2015 में उन्होंने ऐसी ही बयान दिया, फिर भारी विरोध के बाद वो पलट गए, प्रधानमंत्री जी ने इस पर एक भी शब्द नहीं बोला, उन्होंने मौन व्रत रखा, जैसा कि 11 दिन मौन व्रत उन्होंने राम लीला की स्थापना करते वक्त उन्होंने की थी, वही बात यहाँ पर भी हुई। बीजेपी ने उसके ऊपर बताया कि सरकार के एक्शन साफ बताते हैं कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसमें इमीडिएटली सरकार का रिएक्शन होना चाहिए था। और यूजीसी में परसों हाल ही में फिर उसको पलट गए, यूजीसी ने हाल में एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाला
जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों की वैकेंसी में डी रिजर्वेशन और आरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें जनरल कैटेगरी में उम्मीदवार भरा जाए। ये आपका ये है, ये फिर बाद में। अरे बैठो भाई, तुमको तो सब कुछ मिलता है, जिनको नहीं मिलता उनकी बात कर रहा हूँ। तुमको तो सब कुछ मिलता है, जो जिनको नहीं मिल रहा है मैं उनकी बात। प्लीज खड़गे जी, डोंट इंटरफियर। खड़गे जी सर, आरक्षण से वो वंचित है। अब यूजीसी के कहिए, उनसे कहिए, आप तो दूसरे जगह तो टेम्पररी भर रहे, अगर कोई नहीं मिलता तब तक आप बैकलॉग को कंप्लीट डी रिजर्व करने के बजाय आप थोड़े दिन स्टाइफंड ग्रेजुएट्स को ले सकते हैं, या सॉरी अपने लेक्चरर्स जो भी रहते टेम्पररी ले सकते हैं, अपने काम चलाओ। लेकिन वो नहीं, निकालो, सर काटो इनके, दबाओ, यही इनका उसूल है और इसी के लिए ही ये काम करते हैं। और एक वुमन रिप्रेजेंटेशन का झूठा दाव, हमेशा ओबीसी वुमेन्स को रिजर्वेशन 50% देंगे। हाँ देव भी, फिर परसों जब अपने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जल्द से जल्द इसको होना चाहिए, फिर क्यों उसको आपने उसको काउंटर अफिडेविट डाला? लेना था और लेकर, आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400 तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। ये मोदी के कृपा से आए तो तालियां बजा रहे, ठीक है। हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में है। यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं, और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचाना। लीडर ऑफ प्लीज, ऐसे लोग माने खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा, और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहा, उसको प्रूफ कर दिया। I think never a leader of opposition has been so applauded. It's a record. आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो मेरे बयान की तारीफ नहीं, मैं वो भी समझता हूँ। तो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे, 400 आएंगे पान। भाई आपके आने हैं, आपके आने हैं तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे, 100 भी। इंडिया स्ट्रांग है। और फिर बोलो इंडिया कमजोर है। सर मैं आपको पूछता हूँ, इंडिया कमजोर है तो ये इंडिया कमजोर? अरे बैठिए, ये हर बात को क्यों कॉन्ट्रोल? आई डोंट लाइक दिस। रोज ऐसे साथी इंडिया अलायंस का तो छोड़ के जा रहे हैं। मुझे पता नहीं है इंडिया अलायंस अभी है या नहीं है, किस रूप में, कौन है, जरा वो भी बताएं। चाहते हैं इसलिए बैठो, तुम बार बार उठना नहीं। सर मेरी इजाजत से उठते हैं, व्हेन आई परमिट ही राइजेस, व्हेन आई परमिट ही राइजेस। ना सर, ही राइजेस। लेकिन मुझे मालूम है मोदी साहब जब प्रेजेंट रहते हैं, एक के ऊपर एक गिर के मदद करते हैं, तालियां बजाते हैं, गोल मजा, मैं मानता हूं उसको। इसीलिए मैं तो, मेरे को आदत है, प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, मैं एक बार हाउस में आता हूं,
बैठे रहता हूँ, सबकी बात सुनने, इस बार ही थोड़ा कम बैठा, लेकिन ऑलवेज मैं हाउस में, जब तक पार्लियामेंट में था तब तक भी बैठता था, अभी भी। लेकिन इन्हों जो उठते हैं, लेकिन नहीं तो उनके कुछ एक स्टिकर लगा उनके खुर्ची को, बार बार उठते रहते हैं, स्प्रिंग या तो स्प्रिंग की खुर्ची दे दो। फिर मेरी समस्या हो जाएगी, मुझे कईयों के लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं कहीं मेरी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं 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 कहीं कहीं ये एक एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद देखेंगे। प्लीज कंटिन्यू। तो जान दो, देखिए ये जो वुमन रिजर्वेशन है, इसको भी लाने के लिए आप डर गए। क्यों डर गए अब मुझे मालूम है, क्योंकि आप नीति ही ऐसी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको ही देना हो, महिलाओं को भी नहीं, महिला शूद्र ये एक ही है, महिला और शूद्र एक ही है। तो इसका तुलसीदास का था, नर नारी ये सब कानून जो है। खड़गे जी, खड़गे जी, सर दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नहीं साहब, ये मेरे नहीं, नर नारी ये सब कांडन के नहीं बोला। वन सेकंड, लीडर ऑफ द हाउस। सर हमने बहुत टॉलरेट किया, ये बार बार भारत के अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इनकी शब्दावली भी ठीक नहीं है, फिर भी हमने टॉलरेट किया। ये अछूत जैसा शब्द जब इन्होंने इस्तेमाल किया, हमें लगा कि हम अभी डिस्टर्ब ना करें, लेकिन ये बार बार इस प्रकार के बयान देखे, वही मानसिकता दिखा रहे जिसका सुबह भी चर्चा हुई। इनकी डिविसिव टेंडेंसीज, जिस प्रकार से समाज को बांटना चाहते, देश को बांटना चाहते, ये बार बार इसका जाहिर करते। सर नहीं, प्लीज देखिए, आई अर्ज यू टू, नो नो सर, आई एम देयर, प्लीज प्लीज। आप ये तो जाने होंगे, डोर गंवार शूद्र पसनारी ये सब तांडन के अवतारी, ये तो सुने ना, तो ऐसे ऐसे आपके पास शब्द है जो इस समाज को कुचलने का, इस समाज को तोड़ने का, इस समाज को शिक्षा से वंचित करने का, इस समाज को शस्त्र से वंचित करने का, ये आपकी टेंडेंसी है, हमारी नहीं। हम तो कुछ नहीं मिला तो भी देश के साथ है, कुछ मिला तो भी देश के साथ है। हमको आप कितना भी तकलीफ दो, आप हम कभी अलग जाने का सोचे नहीं या जाएंगे भी नहीं। तुम लोग सब खा के, सब पेट भर के बैठे हो, फिर भी इनके बारे में नहीं सोचते, यही बहुत बड़ा दुख है। सर और एक बात मैं कहूंगा कि ये चुनावी प्रक्रिया, सरकार सीईसी की नियुक्ति के जिस तरह नियंत्रित कर रही है, उसके चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खतरे में है, और पास यहाँ की यानी कारखाने की एक्सपीरियंस नहीं, ऐसे लोग उसमें घुस गए, और घुस जाने के बाद वो क्या क्या करते यूएम में मालूम नहीं, या सरकार कैसी उनको वहाँ पर डायरेक्टर। अरे ये क्या है अभी, खरगे जी इज अ वेरी सीनियर मेंबर सर, आप इतना ही मैं निवेदन करता हूँ आपको, पूरा देश में कानून है, वो कानून के हिसाब से हर एक कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉमिनेट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, ये सिंपल प्रोसीजर है, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, हर एक कंपनी में रहता है। खरगे साहब कृपया आप ऐसे एलिगेशन बिना बेसिस एलिगेशन नहीं लगाइए सर, बिना बेसिस के प्राइवेट, नहीं नहीं आप प्राइवेट मेंबर्स को डाले, नॉन ऑफिशियल को डाले, ठीक होता है, लेकिन एक ही पार्टी के कोई क्वालिफिकेशन उसको अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसे लोगों को आरएसएस के लोगों की चुन चुन के डालना बोल के है क्या? अरे मुझे देखो जोशी साहब, आप बात मत करो, मुझे सब मालूम है, तुम्हारे सब ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन थ्रू मी, थ्रू
सर आप आई एम लुकिंग एट यू एंड यू आर लुकिंग एट मी जरा क्या होता है आप उधर ज्यादा देखते हैं नहीं नहीं इधर नहीं देखते आज तो मैं पूरा आपको ही देख रहा हूँ नहीं साहब आप नहीं देखने के वजह से मेरी हालत ये हो गई सर और एक चाइना का बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया राष्ट्रपति जी ने हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही है सच्चाई यह है कि हम अपनी जमीन चीन के कब्जे में छोड़ते जा रहे हैं यही अभी वीडियो में भी सामने आया है इसी महीने चीन के पीएलए सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 35 और 36 के पास के चरागाह क्षेत्रों के एक भारतीय चरवाहों को जाने से रोका यानी ये स्थिति है बॉर्डर पे भी और इसको अगर रोक नहीं पाए तो वो और अंदर आते 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 वो बाद में एक बहुत बड़ा झगड़ा होते रहता है और शांति नहीं रहेगी और आप तो कम से कम विश्व को रक्षा करने की बात हो रही है और विश्व गुरु बनने के लिए भी जा रहे हैं उसका कब होगा क्या होगा वो देखेंगे विश्व गुरु तो नहीं विश्व गुरु हो रहे अरे विश्व गुरु हो जाओ भाई पहले चाइना को अंदर मत घुसने दो पहले पाकिस्तान को आने मत दो और पहले तो भारत में गुरु बनो उसके बाद विश्व गुरु की सोचो अब तो राम टेंपल के पुजारी तो बने हैं थैंक यू वेरी मच आपका दर्शन लिए तो राम का दर्शन हो गया हाँ आपने जो राम के पुजारी तो पहले पुजारी आपने बना है ठीक है लेकिन अरे हमको क्या अंदर भी नहीं आने देते तुम पुजारी क्या बनाते हो चलो छोड़ो चुप वो बात मत करो मेरे सामने और दूसरी बात ये है सर मणिपुर महीनों बाद एक जो घटना घटी अब तक आप विजिट क्यों नहीं कर रहे वो क्या सीक्रेट है वो कह चुके सर आप वो तो गलत पेपर हो गया वो कह चुके आप मणिपुर को कवर कर चुके हैं नहीं मणिपुर कवर महीनों बाद नहीं वो खत्म हो गया हाँ मणिपुर कवर कर चुके हैं आप मणिपुर पे आया हूँ ना मणिपुर कवर कर चुके हैं आप ये 20 है ये 21 है मेरे पेपर को मैं अच्छा जानता हूँ कवर हुए आप चाहते हैं फिर एक बार मैं उनको पुजारी बनूं तो छोड़ो सर मेरा और एक निवेदन है कि इतने महीनों के बाद भी आप मणिपुर विजिट नहीं कर रहे इसका क्या सीक्रेट है वहां लोग तबाह तंग बर्बाद घरे जल रहे हैं मोटरसाइकिल्स जल रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं और आप बोलते शांति है वहां परसों ही दो लोग मारे गए नक्सलिज्म खत्म हो गया अरे छत्तीसगढ़ में और दो लोग मारे गए 3 दिन पहले बोलते एक होता है और उसका इतना जोर से डिफेंड करते हैं मैं क्या बोलूं कि झूठ को भी सच बनाने का अगर कोई नेता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी है सर और एक बात आपको कहूंगा ये जो पिछले 10 सालों में एक एक करके एक सेकंड खड़गे जी फेडरल स्ट्रक्चर को झूठ अनपार्लियामेंट्री है असत्य पार्लियामेंट्री अफेयर्स असत्य को सत्य करने में वो प्रवीण है होगा हिंदी जो हिंदी मुझे आती है उसमें बदलाव करो तो और दूसरा सब फेडरल स्ट्रक्चर्स में जिस स्टेट में आपको जहां बाढ़ आई पैसे रिलीज नहीं करे जहां ड्रॉट है कर्नाटक में आधे भाग में वहां पर भी नहीं दिए बंगाल में नरेगा का पैसा रिलीज नहीं करे आंध्र प्रदेश में 10 साल से स्पेशल कैटेगरी की मांग हो रही वो कुछ नहीं कर रहे और आंध्रा के लोग विशाखापट्टनम के लिए स्टील प्लांट के लिए प्राइवेटाइजेशन मत करो
इसको पब्लिक सेक्टर में रखो, ये बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए होगा। अगर आप पब्लिक सेक्टर में रखे तो गरीबों का फायदा होगा, अगर किसी प्राइवेट को दिए उसको वहाँ नौकरी भी नहीं मिलेगी, सिर्फ प्राइवेट लोगों को फायदा होगा और दलित एससी एसटी ये सब मर जाएंगे। कम से कम रिजर्वेशन तो है, ऐसे जगह तो कुछ ना कुछ उनको मिलता है। अगर एससी एसटी बैकवर्ड क्लास ये मर जान दो, कुछ भी होने दो, अगर आप ऐसी आपकी इच्छा है, ना एक दिन इनकलाब जिंदाबाद आएगा, आएगा, क्योंकि लोगों का टॉलरेंस लोग होता है, देखते हैं, देख देख कर एकदम उठते हैं। तो ये और एक नीति आयोग के सीईओ, वो उनके बहुत ही उनके वक्त ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उन्होंने भी यही कहा कि भाजपा सरकार के एंटी फेडरल तरीकों का सच बताया उन्होंने, और फाइनेंस कमीशन का भी उन्होंने हिस्सा कम करने का, किस ढंग से वो दबाव आता है वो भी उन्होंने परसों ही पेपर में आया, आप पढ़े होंगे, क्योंकि आप हर बारीकी से हर चीज़ देखते हैं, तो ये भी आप देखे होंगे मैं समझता। फिर मोदी जी की योजना का 10 सालों में ये 142 योजनाएं शुरू की गई, 142 अनेक्सर 2 मैं देखता हूँ, सर हाँ तो आपको जरा सर 140 इसका प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले 10 वर्षों में लगभग 142 योजनाएं शुरू की गई, इनमें से लगभग 20 योजनाएं पीएम प्रीफिक्स के साथ है। जैसी हाँ उस वक्त बोलने में क्या तुम सो गए थे, मैं अब जाग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, चुपट प्लीज प्लीज प्लीज। प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले 10 वर्षों में लगभग 142 योजनाओं की शुरुआत की गई, इनमें लगभग 20 योजनाओं में पीएम प्रीफिक्स के साथ है, जैसे कि पीएम किसान, पीएम आवास योजना, पीएम फसल बीमा योजना, और भी पीएम है, और उसके बाद छोड़ो भाई प्लीज सर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, यस प्लाजोशी जी, सर इनके प्रॉब्लम क्या है सर, सर इनके सर सर इनके 10 वर्ष में पीएम शब्द लेके सारे पार्टी को और इनको मुखिया को भी एलर्जी था सर, दे वर एलर्जिक टू द वर्ड पीएम, दैट्स व्हाई दे नेवर यूज्ड टू कीप द नेम ऑफ द पीएम, ओनली वन फैमिली का नाम रखते थे, अभी हम पीएम रख रहे हैं, या पीएम के शब्द के ऊपर एलर्जी है क्या, पीएम देश का हिसाब इतने तो जानना चाहिए सर, ये तो अच्छा ठीक है उनको, इट्स अ गुड पॉइंट, नहीं नहीं वो लीगल एड दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, देने दो सर। दूसरी बहुत से ये विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन समाज अगर विकसित होगा तो ही भारत विकसित होगा, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बोलना बड़ा मुश्किल है, अच्छा भी नहीं लगता,
अपने अभी नहीं, क्योंकि ये 10 साल हो गए, कैसा भी आप उधर जाएंगे, हम आप यहीं रहेंगे राज्यसभा में, ये तो लोग जाना पड़ता ना सब उसके लिए। तो 1500 स्पेशली इक्विप्ड व्हीकल्स को देश के लगभग 250,000 विलेजेस में भेजा जा रहा है, जिन पर लिखा दिया है मोदी सरकार की गारंटी। और यह भी बोलो भाई, पीएम की गारंटी बोलो, इसमें क्यों मोदी की गारंटी? क्योंकि इलेक्शन जा रहे हैं वो, और मोदी सरकार की गारंटी। और सुनते जाओ, ये जो गाड़ियां जा रहे हैं उसके अलावा मोदी जी अपनी गारंटी बहुत बोले, और आज तो न्यूज़पेपर में आता है। कौन सा न्यूज़पेपर आप निकालिए, मैं भी 7-8-10 पेपर देखता हूँ, जो खास करके एडिटोरियल और बीच में जो लिखते उतना, बाकी का उसमें झंझट में नहीं जाता, लेकिन मैं देखता हूँ ऊपर लिखा हुआ मोदी जी की ये गारंटी, गैस की गारंटी, उसकी गारंटी, ऐसा रोज आता है, रोज एक उसमें। अरे भाई, आपके पास खूब पैसे है, कितना करना करो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं, इंडिया जीतेगा। सर, मेरी गारंटी अरे सुनो, मोदी साहब क्या कहते हैं वो तो सुनो जी। सर, मोदी क्या कहते हैं वो तो सुनो। मेरी गारंटी, मेरी कड़ी मेहनत है, इनकी नहीं है, इनकी है, और दृढ़ता का प्रतिबिंब है। मोदी जी खुद के बारे में बताते हैं, ये उन्होंने कहा है, ये सभी पेपर में भी। मोदी जी कहते हैं, जब भी उम्मीद खत्म होती है, मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। अरे सुनो, और मोदी जी ने कहा कि उनकी गारंटी का मतलब है कि वो अकेले ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। अरे हाँ, क्या डेमोक्रेसी में तुम हो? एक अकेला इंसान प्रधानमंत्री, मैं बोल रहा, तुम ढोल बजा रहे हो। मोदी जी ने वाराणसी में कहा, मोदी की गारंटी सुपर हिट होगी। और इसी तरीके से देखिए, अगर ये जो अगर गड़बड़ करे, जब हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर भाषण करते वक्त, आप रोकना नहीं। एक सेकंड सुनिए खड़गे जी, आपके भाषण को इतना शांत रूप से सुना गया है, और अभी से आप कह रहे हैं कि मत करना, दिस इज अनफॉर्चुनेट। द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज, वन सेकंड, शक्ति सिंह जी, डोंट शाउट, प्लीज टेक योर सीट। खड़गे जी, यू हैव बीन हर्ड इन रेप्ट अटेंशन, आपने थोड़ा प्रवोक किया तो उन्होंने कुछ रिएक्ट किया। मानो, थोड़ा मानो मेरी बात, कभी माना करो प्लीज, क्योंकि मुझे तो डर ये लग रहा है कि आप अनेक्सर 2 तो पढ़ रहे हैं, अनेक्सर 1 भूल गए, वो आएंगे तो फिर और लंबा जाएगा। नहीं, मैं एक, मेरे पास पूरे पेपर है, भूलने का सवाल ही नहीं। आपने अनेक्सर 2 अनेक्सर 1 का, मैं खुद ही मेहनत करता हूँ, मैं देखता हूँ, रखता हूँ। तुम प्लीज, आपको अगर नहीं मिलता तो वो बात, क्या भूल गए, क्या बोली खड़गे जी? और टेकन 1 hour 5 minutes, डोंट, why? I have got 1 hour and 40 minutes. हाँ, yes you have, you can take the entire noise. तो ओके, तो सर, और आपने हमारे, मैंने फैक्ट्स चेक किया कि प्रेसिडेंट के एड्रेस में उन्होंने क्या कहा, तो वो थोड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। अभिभाषण में कहा गया कि 214 में, 14 के मुकाबले में
एयरपोर्ट्स डबल हुए, 74 से बढ़कर 149 हुए। अरे सुनो, अरे आगे सुनो, तो ये अब इसमें दो चीजें हैं। पहला, 2014 में कुल 94 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। लोकसभा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 113 में 12 दिसंबर 2014 में 149 बताई जा रही है। इसमें 9 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एरोड्रोम्स और राज्यसभा के अनस्टार्ट क्वेश्चन में भी यही कहा गया। ये क्या आपने मुद्दे रखे हैं कि 149 हुए, ये सत्य से दूर है, ये आपने ही दिया है। अगर ये झूठ है तो आपकी ऑफिस की गलती है, आप ठीक करो। अगर ये सही है, मैं जो मान रहा हूँ ठीक बोलिए। और एक एम्स का भी मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ये आप सबको मालूम है, फिर मैं उसका जिक्र भी किया। कम से कम प्राइम मिनिस्टर सुने होंगे, क्योंकि वो बार बार गुलबर्गा आते हैं और वहाँ पर उतरते भी है, जाते भी है, फिरते भी है, हर कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहाँ से बहुत प्रेम लगा है वहाँ से। दूसरी चीज, 49 से लेकर अब 3 कॉलम पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने हर कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को बार बार नीचा दिखाने के लिए बहुत सी बातें आपने बोली, और जो उन्होंने, नेहरू जी ने जो काम किया उसके बारे में कभी आपने प्रशंसा नहीं की। जो देश के लिए जेल गए, देश के लिए लड़े, आज़ादी के लिए लड़े, और पंचवार्षिक योजना की उन्होंने नींव डाली, डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, अगर कोई अपोजिशन का भी है उनको वो इज्जत देते थे, कहते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उनकी सत्यता को छुपाने की बात आप करते हैं। सर, लिटरेसी रेट 1951 में 18.3% था और 13-14 में 74% हुआ। कितना हुआ? 74%। आज कितना है? 77%। नहीं नहीं, देखो, टीका भी करना है तो तुम स्टैटिस्टिक्स हमारे भी पढ़ते जाओ, करो, डेमोक्रेसी है, हमारे कमियां निकालो। सिर्फ जलसी से बात मत करो, टीका मत करो बगैर सोचे समझे। नेहरू जी के बारे में, यही नेहरू जी का जमाना है ना। और देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी साहब, अगर हम उस वक्त पैदा होते तो आपकी, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 इयर्स होती थी। आपकी 70 के ऊपर नहीं बढ़ती थी, मेरे 80 के ऊपर नहीं बढ़ता, उनका भी 70 तक आया, 71 तक, ये बढ़ता नहीं था। तो 70 साल तक बढ़ी, 32 इयर्स से लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 इयर्स। अब आपके जमाने में 69.27 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ। बोलो, 9 महीने कम हो गए। और दूसरी चीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी 165 डेथ्स पर 1000, ये 1951 के पहले था, तो 2013-14 में 38 डेथ्स पर 1000 इन्फेंट्स। क्या घटा क्या बढ़ा? और आपके जमाने में जो है वो 29 तक आया। और 38 करने के बाद भी क्या किया ये सरकार ने, ये सब कुछ किया? प्राइम मिनिस्टर, प्राइमरी स्कूल्स 2,09,051 में थे 51 से पहले, 13-14 तक 7,90,000 स्कूल्स बने। और आपके जमाने में
स्कूल्स कम हो गए इसलिए कि प्राइवेट को आपने ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और 2021 में आपके 7.6 लाख हो गया। अपर प्राइमरी स्कूल्स 13,600 और 4,13,14 और 4,35,00 इन 2023 में हुआ। और सेकेंडरी हायर इंटर जूनियर कॉलेजेस 7,400 थे और हमारे ज़माने में 2,34,000 2014 थे, अब 2,92,000। अब कॉलेजेस 630 थे देश में बिफोर 50 और आज 24 तक 36,639 कॉलेजेस, बड़ा घटा। सब आप तो जानते हैं, मैथमेटिक्स में भी आप बहुत होशियार हैं। और उसके बाद में अब 43,000 बन गए। सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 725, अब 1,77,000 2024 तक और 1,94,000 तीन साल में एक नहीं 2023 का 1,94,000 पहले 1,77,000 तो इसका 1,500 2,000 कुछ बढ़ गए। नेट इरिगेटेड एरिया, ये तो किसानों के लिए 2,10,000 हेक्टर पहले थी और हमारे जमाने में 13-14 में 6,80,000 हेक्टर्स, बड़ा क्या घटा। फिर आपके जमाने में 7,00,000 हेक्टर बन गया। तो अरे आप कुछ नहीं किए, ये किए सो बता रहा हूं और आप क्या किए वो भी बता रहा हूं। परसेंटेज ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स 2.2% और 83% 2014 में रूरल हाउसहोल्ड, अब आपने 12% बढ़ाया 99% 2019 में, फिगर एज इट इज है। ये अपनी अचीवमेंट है, इसको भी आप कंडम करते हैं। अरे आंकड़े हैं, इसको मिटा नहीं सकते आप। आप दूसरे चीजों को मिटा सकते हो लेकिन इन चीजों को तो नहीं मिटा। इसीलिए आप 2021 का सेंसस क्यों नहीं कर रहे, 2011 का है, 2021 का क्यों नहीं लाए? अगर लाए आपको मालूम होता कितने लिटरेट है, कितने हम आगे आए हैं, कितने ग्रोथ है, ये सारी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी। क्यों नहीं कर रहे हैं 10 साल में? बाकी सारी चीजें कहते हैं लेकिन ये इसलिए नहीं, आपका पोल खुल जाएगा क्योंकि सेंसस अगर बाहर आ गए सच्चाई बाहर आएगी, सच्चाई जब बाहर आएगी आपकी पोल खुल जाएगी। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपको ये बात इसलिए रख रहा हूं, कुछ नहीं किए नहीं बोलो, मत बोलो, कुछ किए हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी आज देश में जिंदा है और आप भी हैं। नहीं तो डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लोग बहुत थे आपके पास, सब ब्रिटिशरों के पास चले गए थे नौकरी के लिए। सर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये कितना था यूपीए के जमाने में, 1,087.6 था तो 426.2 ड्यूरिंग मोदीज टाइम। और सुनो आप बाद में बोलो। नहीं, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं खड़गे जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में जरा बताइए फिगर।
नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी जो बाहर का इन्वेस्टमेंट आता है वो उस वक्त अमाउंट जो होता है, पहले कितना था और अब कितना है? अरे उसी का बोल रहा हूँ मैं, चेंज ड्यूरिंग यूपीए 1087.6%, अब क्या है 426, घट गया। अरे उसका ये गलत है बोल के आप दे दो, अरे ये गलत है बोल के दे दो भा। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 302.3%, 142%, पर कैपिटा जीडीपी 244.7, अब 119। ये जो आंकड़े हैं आप देख सकते हैं और मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ, ये रख देना आपका, नहीं नहीं ये ठीक रहेगा रख देना, यही क्यों सारे चीजें रख देते हैं, बिल्कुल ठीक है, यही क्यों कार्रवाई का हिस्सा बने। तो दूसरी चीज जो है, और हमारे मोदी साहब की गारंटी तो मैं पढ़ा और सारे चीजें उसमें मैंने बताया किस ढंग से वो काम चल रहा है। और एक आखिरी दो चीजें मैं बताऊंगा, पॉलिटिकल अपोजिशन, अब क्या है अपोजिशन पार्टी को देखते ही ये सरकार को एलर्जी, जिसको देखे उसको अंदर डालो ईडी इनकम टैक्स, और जिसको डालो उसको अंदर लाओ और वॉशिंग मशीन में डालो वो क्लीन हो जाता है, क्लीन हो जाता, राज्यसभा में लाओ क्लीन। और 411 एमएलए इधर से उधर हो गए 10 साल में तोड़फोड़ में, और सरकारें गिराए सरकारें बने, ये सब नीति आपकी ठीक है, आप इसको ठीक मानते हैं? और आप मेरे पास जब रहता है, मेरे पार्टी में जब रहता है वो करप्ट और सब, तुम्हारे पार्टी में आते कि दूसरे दिन ही वो अच्छा बन जाता है, उसका केस ठहरा जाता है, निकाला जाता है और उनको सबको प्रोटेक्शन मिलता है। जो नहीं सुनता, आप नहीं सुनते जाओ जेल, सुनते आओ इधर, ये नीति आपकी है। और हमको बोल रहे हैं कि पाठ सिखाते ये डेमोक्रेसी को, ये करे वो करे, तो ये जो इनकी हमेशा देखो भाई सबको पाठ पढ़ाते हो, हाँ ये तो नीति आप ही की है, हम कुछ यहाँ पर बोलते हैं तो उसके खिलाफ हिंदू मुसलमान लाते हैं। आज़ादी के पहले तो आपकी पार्टी ने, जनसंघ ने मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट करी थी 3 स्टेट में, और उनके जो दूसरे किताब है वो भी पढ़ो मालूम होता। प्लीज प्लीज, हाँ यस, मैं आप इतना बड़ा शरीर है उधर देख रहा हूँ, वो मेरे जैसे पतले हैं उधर देख रहा हूँ। सर नेहरू जी के संग्रहालय का नाम बदलने का क्या जरूरी था? अरे नेहरू जी एक, जब वाजपेयी जी जो विपक्ष के नेता बन के प्राइम मिनिस्टर बने, शायद वो कैबिनेट रूम या कहीं, तो उन्होंने देखा तो फौरन बुलाया कि भाई यहाँ तो नेहरू जी की फोटो लगती थी, कहाँ है? नहीं साहब वो ऐसा ऐसा कोई बोले कि गवर्नमेंट बदल गई। अरे गवर्नमेंट बदल गई, वो तो पहले प्राइम मिनिस्टर है, लेके आओ लगाओ। ये है कम से कम अटल बिहारी का तो सुनो, ये बीजेपी नहीं है, बीजेपी है तोड़फोड़ सरकार। खड़गे जी, हाँ तो ये है कि ये, अरे जब सर मैं आपको बोलूं, कईयों बार जब अदानी साहब और अटल बिहारी साहब
गुलबर्गा आते थे, हम रूम छोड़ के वैकेट करके उनको देते थे, हालांकि हम मिनिस्टर थे इलेक्शन के बस। तो क्योंकि हमारे दोस्त उसमें थे, थोड़े पहले से क्लासमेट्स हुए थे, आके रिक्वेस्ट करते थे, सर तो तुम्हारा घर है, आप घर को जाओ, ये ऐवान शाही छोड़ दो। हम किसी को उस चंद्रशेखर का भी है, चंद्रशेखर का यहाँ उनके हाँ वह नीरज है, वो टूट के बहुत बात करते हैं, उनके पिताजी को मेरे को सब अरेस्ट कर रहे थे 1970 में, जब वीरेंद्र पाटिल वहाँ पर हमारे घर के बाजू में ही रहते, वीरेंद्र पाटिल, उन्होंने हमको अरेस्ट करा था। उन्होंने चार बार आए, कौन, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णाकांत, अर्जुन अरोरा, ये सब लोग प्रचार के लिए निकले। तो आज अरे ऐसा हम मिलजुल के बहुत से चीजें काम करते थे, यहाँ सब दुश्मनी से, हर चीज दुश्मनी से। अगर ऐसा देश अगर चलाने की कोशिश करे, ये रियली एक बहुत बड़ा देश के लिए और डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, इस सदन को प्रोटेक्ट करने में भी आप फेल हो गए। जो डेमोक्रेसी को, ये तो टेंपल है ना लोकशाही का, इसको भी प्रोटेक्ट करने में आप फेल हो गए। और जो लोग पकड़े गए, सर मैं बताता हूं कि हमको जो इंफॉर्मेशन पकड़े गए, उन्होंने एफिडेविट दिया कि हमको इलेक्ट्रिक ये लगा के मार के धमका के हमको कहने लगा रहे हैं कि फलाना फलाना पार्टी का नाम लो। सदन में जो कूदे थे वो उन लोगों के बारे में उन्होंने तो अब एफिडेविट भी दिया है। तो ये है सदन की सुरक्षा, ये जो जनता से चुन के आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ऐसी ये ऐसा होता है। तो आप याद रखिए, किस किस को आप ये बनाना चाहते, बलि का बकरा। तो आप दूसरी चीज, आपको मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, जो कुछ कहा हूँ और उसका उत्तर हमारे प्रधानमंत्री जी देंगे, खास करके मेरे पहले पन्नों से जो हमने लिया रिजर्वेशन का, उसके बाद किसानों का, इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इसके बारे में तो ज़रूर वो बोलेंगे। और उसके बाद मैं आखिरी में ये भी कहता हूँ कि झारखंड की स्थिति क्या होगी। झारखंड में एक को तो तुम बुला के ईडी के केस में उसको अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करने के बाद वो रिजाइन करे, गवर्नर के पास गए और उन्होंने अपना राजीनामा दिया, राजीनामा एक्सेप्ट हुआ। अगर राजीनामा एक्सेप्ट होने के बाद 43 लोग लाइन में बस में बैठे हुए थे, उनके सिग्नेचर लेकर उनको दिया, तब उन्होंने ये भी नामांकित किया कि फलाना फलाना चंपा सूरन उसको लीडर बनाइए हमारे पार्टी की तरफ से। तो वो आदिवासी नेता देने के बाद भी वहां के गवर्नर बोले मैं इसके ऊपर सोचता हूं, और वहां पर तुमको संख्या बल लगी। तो वहां पर बैठे हुए थे कार में सॉरी बस में, तो संख्या बल, दूसरे दिन फिर वो जाके मिले, इतना इतनी संख्या है हमारे पास, तो उनको बोले ठीक है तो कल 12:30 बजे आप वोट ले लो। 12:30 बजे उनको बोले, फिर बोले कि विश्वास मत, मैं आपको डेट देता हूं 8-10 दिन में। तो ये अपोजिशन के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, नीतीश साहब बिहार में राजीनामा दिए,
15 मिनट में राजीनामा स्वीकार हुआ, उनको वोट लेने की शपथ लेने की टाइम भी दी गई और उन्होंने उसी वक्त अपना कैबिनेट भी फॉर्म किया। अरे आधा घंटे में एक का काम सब होता है और यहाँ मेजॉरिटी रहते हुए एक ही पार्टी की, एक ही महागठबंधन की, उनको ऐसा करते। इज इट दिस डेमोक्रेसी सर? इज इट दिस अमाउंट डेमोक्रेसी? उसको, और ये भी ट्राइबल का आदमी है, लेने दिया सो वाला ट्राइबल ले, अब जो वोट लिया वो भी ट्राइबल। तो इस ढंग से अगर आप ट्रीट करते जाओगे तो लोगों का विश्वास उठ के चले जाएगा डेमोक्रेसी के ऊपर। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप बुरा न माने तो यहाँ प्रधानमंत्री कहाँ ये आखिरी इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं मुझे मालूम है, इसके बाद इलेक्शन नहीं। मैं इतना पॉपुलर हो गया पॉप, डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं है बोलेंगे, इससे ये दिख रहा। तो 16 घंटे में पार्टी बदलते पलट मारते हैं, ये पलटू रामों को आप लोग सपोर्ट करते हो, जो सीधा सीधा आके आपको देता है उसको आप नकारते हो, ये ठीक नहीं है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि खैर तो ईडी इनकम टैक्स बोल बोल के थक गए, उन्होंने तो इसको मानते नहीं, क्योंकि डराना एक ही उनके पास उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। हम देश का विकास चाहते हैं, उनका कहना हम भी देश का विकास चाहते हैं। हम कभी, मैं तो खासकर कभी विकास के लिए किसी को भी मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, और ये जोशी साहब मानते मैं समझता हूँ, क्योंकि हम वो पूछो मत पूछो हर एक को मदद करते थे। और हमारा एम क्या है कि अगर डेवलपमेंट हुआ, सड़क बड़ी हुई, क्या मेरे ही लोग चलने वाले उसके ऊपर? रेल चली, क्या मेरे ही लोग बैठने वाले हैं? कोई हॉस्पिटल बना, क्या मेरे ही पेशेंट जाने वाले हैं घर के? तो ये अगर सोच आपके पास रही तो देश विकसित होता, नहीं तो मेरा, मेरे लिए और हमारे लिए इतना ही बोल के चले तो दूसरों को सर्वजन सुखाय, क्या बोलते ना, हाँ, तो सर्वजन सुखाय कहाँ है? मैं तो ये बोलता हूँ बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, इसकी बात करो। सर्वो वो उन्हों बोलते हैं हमारे दोस्त, तो मैं इतना ही बोला बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, ये तो बुद्धा का कहना है। और बुद्धा ये आठवां अवतार, एट्थ अवतार आपने मानते हैं राम का, मानते नहीं? मुझे मालूम नहीं, साफ बोलना, आठवां अवतार, एट्थ, नाइन्थ अवतार, नाइन्थ अवतार बुद्धा का, विष्णु का नाइन्थ अवतार मानते, उसका भी कहीं पर नामो निशान नहीं, वहां पर कहीं बनने का नहीं, उनके स्तूप बनने का नहीं, कुछ भी नहीं। उसी लिए बोला आप पूजा नाइन्थ अवतार की करो, नाइन्थ अवतार की करेंगे तो साइंटिफिक थिंकिंग आ जाएगा आपके दिमाग में। तो मैं टीका नहीं कर रहा हूं, ठीक है आप ठीक बोले, ऐसे लोग जरा ज्यादा बढ़ गए तो बीजेपी ठीक हो जाएगी। सर मैं आखिरी बात ये कहूंगा, गरीब और कमजोर तबकों को न्याय मिले ये हमारी नीति है जिस पर हम चलते रहेंगे। आप कितनी भी उपेक्षा करें हम ये सवाल उठाते रहेंगे। आखिरी में मैं ये कहूँगा, मेरा हर लफ्ज है, मेरा हर लफ्ज है अमन के लिए, मेरा हर लफ्ज है अमन के लिए, मेरी हर सांस बंदगी के लिए, मेरी हर सांस बंदगी के लिए, मैं हवा के खिलाफ चलता हूँ, मैं हवा के खिलाफ चलता हूँ सिर्फ इंसान की खुशी के लिए। धन्यवाद, आपको नमस्कार, आप बहुत शांति से इस बार सुने इसीलिए आप, और सभी को धन्यवाद। श्री
ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.